जल, जंगल और गाय को बचाने के लिए संत नर्मदानंद जी महाराज 11,000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर यात्रा कर उज्जैन पहुंचे। वे यहां मीडिया से रूबरू हुए। उज्जैन पहुंचे महाराज ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि गाय, जंगल और जल को बचाना है। यात्रा में प्राचीन शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की और वह उज्जैन पहुंचे हैं। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे और फिर ओंकारेश्वर रवाना होंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मदद से अगर हम डालते हैं तो 15 दिन का कचरा एक बाटल में स्थापित हो सकता है। एक माह में 2 बाटल लगेगी, 2 बाटल पानी में पूरा कचरा आपका घर का उस बाटल के अंदर समाहित होता है। और जहां हमारे बड़े रोड बनते हैं उस रोड के अंदर ढक्कन लगा कर उस बाटल को दफना दीजिए, सारा कचरा भी एक जगह आ जाएगा। और संपूर्ण भारत में जो अलग जगह जगह हमारी गौ माता प्लास्टिक को भक्षण कर जाती है और उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्लास्टिक। वंदे मातरम, मातृभूमि नमः। ये राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा है। ये 29 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी गंगोत्री धाम से। हिमालय के सरम शिखर माँ पुण्य सलिला गंगा माँ की गोद से 12 कलशों में जल भर करके यात्रा प्रारंभ हुई थी और द्वादश ज्योतिर्लिंग को केंद्र बिंदु में रख करके इस यात्रा का उद्देश्य जल, जंगल और जीव की रक्षा का संकल्प लेकर के सर्वप्रथम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर प्रस्थान हुई। इस यात्रा में लगभग 13वां राज्य में मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है। 12 राज्य संपन्न हुए, उसमें उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में यात्रा आज प्रवेश हुई। आज उज्जैन नगरी में प्रवेश होकर के बाबा महाकाल का कल अभिषेक होगा। इस यात्रा में जल का संरक्षण हो, पर्यावरण शुद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी के ऊपर वृक्षारोपण हो और गौ माता का रक्षण हो, इस उद्देश्य को लेकर के यात्रा। महाराज जी, यह जो आपकी संरक्षण को लेकर और गौ माता को लेकर आप मांग पत्र के माध्यम से भी कर सकते थे, वो निराकरण हो सकता था, फिर ऐसी क्या आवश्यकता आनी पड़ी कि आपको यात्रा लेकर जो है ज्योतिर्लिंग में जाना पड़ा, वो भी 12 में? मेरा क्या लक्ष्य ये था कि प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो हम तो पुरुष हैं और प्रकृति माँ भारती है, तो इसके गोद में अगर भ्रमण करते करते हैं तो एक पेपर के माध्यम से, जैसे आज आपके मीडिया के माध्यम से जो सफलता मिलती है, लेकिन गांव-गांव तक अगर पहुंचना हो तो पैदल यात्रा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हम लोग वाहन से अगर जाएंगे तो आम पब्लिक के साथ में हमारा संवाद नहीं हो पाएगा, इस उद्देश्य को लेकर के कि जन जन तक अपना संवाद पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर। कितने यात्री चल रहे महाराज जी? अभी वर्तमान में हम लोग 25 लोग हैं। यात्रा का क्या उद्देश्य है और कितने दिवसीय यात्रा थी और किस प्रकार से संपन्न हो गई है? यात्रा का उद्देश्य गुरुदेव ने अभी बताया है कि पर्यावरण का संरक्षण, जल का संरक्षण, गौ माता का संरक्षण और सनातन धर्म की विजय, ये कल्पना लेके गुरुदेव नर्मदा किनारे आपका आश्रम है नजर निहाल आश्रम, नित्यानंद बाब जी के आशीर्वाद से गुरुदेव इस यात्रा में, जब 12 ज्योतिर्लिंग की कल्पना उनके मन में आई तो जन जन के आशीर्वाद के साथ ये यात्रा पूर्ण हो, तो 29 सितंबर को गंगोत्री से माँ गंगा का पूजन अर्चन करके चुनरी उड़ा के ये यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई और निरंतर 15वां महीना चल रहा है ये यात्रा को। 1.5 माह ये यात्रा तमिलनाडु में श्रीरंगम जिले में लॉकडाउन के समय रुकी, फिर उसके बाद वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ती चली गई और आज उज्जैन पधारी है। ये लगता है कि इस यात्रा में लगभग 300 से ऊपर ऐसी गोष्ठियाँ हुई हैं जिसमें गुरुदेव के द्वारा जन जागरण की बात कही गई है। रोज़ सुबह यात्रा को प्रारंभ करने समय आप वृक्षारोपण करते हैं, साथ ही इस यात्रा में प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर का मार्ग करते हैं। इस मार्ग में भी जन जन से चर्चा होना, कहीं गौ माता पे चर्चा होना है, कहीं जल के ऊपर चर्चा होना है, तो पूरे 11 प्रांत में से यात्रा होते हुए मध्य प्रदेश में 21 तारीख को पिटोल से गुजरात से मध्य प्रदेश में आई है और निरंतर जनता के बीच में समाज के हर वर्ग के साथ संवाद करने की भूमिका उनकी बनती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।